तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो हम लोग देख रहे थे वो, कि जैसे मान लो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बना हुआ, ठीक है, तो यहाँ लगा दिए Cl, यहाँ लगा दिए इस तरह से Cl, यहाँ H है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, बहुत आसान है देखना, है ना, दिख रहा है पेंटागन अच्छे से सबको दिख रहा है। पेंटागन में तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये यूं बाहर निकला हुआ है, ऐसे ये बाहर निकला हुआ है और ये अंदर है, इधर से भी ये अंदर है और ये दोनों बोर्ड पे और ये भी दोनों बोर्ड पे, SP3 है, दो लोग बोर्ड पे, तो एक तो जो दो लोग अगर बोर्ड पे, तो जो दो ठू बच गया एक अंदर एक बाहर हो जाएगा। इस टाइप से समझ में आ रहा नहीं, कभी भी रिंग बने तो इसका ऐसा एनालिसिस कर लो इस तरह से कि ये क्लोरीन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना, और ये मिल करके पेंटागन बना रहा है, ये पेंटागन बना रहा है, देख रहे ऐसे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, कहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसका। हम बोले कि यहाँ पे अगर ये POS है, हम बोले यहाँ पे अगर इस तरह से ये CLH, यहाँ पे दो ग्रुप कैसा भी लगा दो, कुछ भी BR हो और यहाँ पे मान लो RD लगा दिए, स्टिल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। समझ में आ रहा है कैसे, वही वाला वैसा वाला ही प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है कि जिस प्रकार ये दो ठो बॉन्ड अंदर गया, ये ब्रोमीन और आयोडीन ऐसे होगा, और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो तो ऐसे ही काटेगा, ब्रोमीन आधा आधा आलू कटेगा, फिर वो बीच वाला पाइप, फिर कार्बन कटेगा, फिर बीच वाला पाइप, और आयोडीन भी आधा आलू कटेगा। यहाँ पे तुमसे पूछे इस प्लेन ऑफ सिमेट्री से हाउ मेनी एटम्स आर बीइंग बाइसेक्टेड, तीन आंसर, कार्बन और दो ठो हाइड्रोजन, कार्बन या कार्बन और दो ठो हाइड्रोजन, दिख रहा है ऐसे कटा है नहीं, यहाँ पे क्या कार्बन और ब्रोमीन एंड आयोडीन, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे भी तीन ठो एटम, इस तरह से ये हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस तरह से अगर पेंटागन में बात किया जाए, कुछ वैसे बना लेते फोटो, ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे लगा दिए CLH और यहाँ पे लगा दिए, तो सेम ही बनेगा, नहीं पास पास जोड़ देते हैं Cl और H है मान लो, ठीक है, ठीक है, बीच में कार्बन नहीं है, इन दोनों कार्बन के बीच में कार्बन नहीं है, है ना, तो फिर से प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, ये देखो तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, दिख रहा है, इसको ऐसे ही बना सकते थे, ये सेम मॉलिक्यूल है कि हम ऐसे बनाते हैं CLH और ये CLH ऐसे, तो ये इसका ये झंडा और ये झंडा आपस में मिरर इमेज बना दे हम लोग, मिरर इमेज बनाने के लिए क्या किए, यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ दिख रहा है, इस प्लेन से काट देंगे हम, प्लेन से कटेगा तो ये झंडा और ये झंडा मिरर इमेज बन जाएगा, और यहाँ पे कार्बन और दो हाइड्रोजन कट रहा है, इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। फिर से चलिए फोर मेंबर मान लो बनाते हैं, CLH, CH3H, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, हाँ है। अच्छा काइरल सेंटर भी देखते रहना था, इसमें काइरल सेंटर था, हाँ ये वाला काइरल सेंटर था, ये वाला काइरल सेंटर था, ये नहीं था, इधर भी वही चीज है, इधर भी वही चीज है, ये था और ये था काइरल सेंटर, था काइरल सेंटर को अलग से कर चुके हैं। चलिए इसमें काइरल सेंटर है क्या, इसमें कोई काइरल सेंटर नहीं है, काइरल सेंटर इसमें नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आर्म और ये आर्म तो अलग है, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुंचना और यहाँ से पहुंचना यहाँ पे सेम है, कैरे सेंटर नहीं है। खैर कैरे सेंटर हम लोग बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग क्या देख रहे हो, मॉलिक्यूल
कायरल है कि नहीं, अगर प्लेनर सिमेट्री, क्वांटर सिमेट्री या अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री, ये तीनों में से एक भी कोई अगर आ गया तो मॉलिक्यूल ए कायरल हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखो तो प्लेनर सिमेट्री है क्या? हाँ है, प्लेनर सिमेट्री है इसके अंदर। ठीक है, कितना प्लेनर सिमेट्री है? दो। कैसे कैसे? एक तो ऐसे पार करा दे, एक ऐसे वाला प्लेनर सिमेट्री, ये प्लेन दिख रहा है कैसे काट रहा है, ऐसे काट रहा है, ये आधा इधर और आधा इधर, फोर मेंबर ही है, ऐसे कटे, ठीक है, फोर मेंबर यूं है, यूं, यहाँ पे सी एल होगा हुआ एच है, मिथाइल होगा हुआ एच है, अब ऐसे काटे, दिख रहा कहानी, एक तो ये हो गया प्लेनर सिमेट्री इसमें। हाँ ठीक है, और कोई है प्लेनर सिमेट्री क्या इसके अंदर में? देखो तो और कोई नहीं है, काहे काहे कि अगर तुम ऐसे ऐसे काटोगे तो मिथाइल का मिरर इमेज में क्लोरीन नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर से देखिए, देखता हो यहां पे है क्या प्लेनर सिमेट्री, प्लेनर सिमेट्री है यहां पे? हाँ है, कौन सा प्लेनर सिमेट्री? ये पॉइंट दिख रहा है क्या? ऐसे आधा आधा काट दो, ठीक है, ऐसे कटेगा ये, और ये जो है गोला और ये गोला आपस में मिरर इमेज बन जाएगा, दिख रहा है सबको प्लेनर सिमेट्री। फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें? प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दिख रहा है क्या? नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर तुम सोच रहे कि ऐसे ये छोटा गोला ये बड़ा गोला दिख रहा है, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बन सकता है अगर बीचों बीच ऐसे काटते हो तो, समझ में आ रहा है ना? बीचों बीच मतलब यहाँ से तुम अगर सोचते हो कि हम ऐसे 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 काट देंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री का निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? सी एल एच एफ बी आर है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री? हाँ है। अब ये एक दो तीन चार, चारों ग्रुप को ही सभी लग जाए, यहाँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। कैसे वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा क्या? ऐसे वाला ऐसे काटती है, ये चॉपर बना रहे हैं हम, ये जो बना रहे हैं चॉपर है, समझ में रहे हो चॉपर? ये चॉपर कैसे कटा है? ये क्लोरीन आधा आलू इधर और आधा आलू पीछे, फिर बीचों बीच बॉन्ड एज ए पाइप कटेगा, फिर कार्बन कटेगा, फिर पाइप कटेगा, फिर एच कटेगा, समझ में आ रहा है? अगर इसको हम बाहर ऐसे बना देते, ये ऐसे बाहर है ऐसे और ये अंदर हो गया, दिख रहा है क्या? ठीक है, तो बोर्ड का प्लेन हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिख रहा है कहानी? ये ऐसे हम बाहर बना दिए इसको, ठीक है, हो रहा है। और कुछ और डिफरेंट तरह का मॉलिक्यूल पकड़ते हैं, है ना? जैसे देखो तो ये तो एक प्लेनर है ही है, यहां पे लगा दिए सी एल एच एच और सी एल, प्लेनर सिमेट्री है इसमें। कौन सा प्लेनर? पीओएस, बोर्ड का प्लेन ही, क्योंकि ये sp2 है, अगर sp2 है ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड बोर्ड पे आ गया, बोर्ड पे रखे, फिर ये भी sp2 है तो ये वाला बॉन्ड sp2, ये sp2 और ये sp2, दिख रहा है ये बोर्ड पे, ठीक है ना? तो पीओएस इज बोर्ड का प्लेन है, ये वाला प्लेनर सिमेट्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका ऐसे अगर काटेंगे चॉपर से तो इसका इमेज ये नहीं है, एक दूसरे का मिरर इमेज तो बनना चाहिए कटने के बाद, फर्स्ट हाफ शुड बी द मिरर इमेज ऑफ सेकंड हाफ। ठीक है, फिर देखिए,
एक और पाई मोड लिया है, मल्टी विजुअल है क्या, बढ़िया से ठीक है क्या? यहाँ पे तुम देख सकता था कि ऐसे अगर हम लोग पार्ट वाइज तोड़ दे है ना, अगर बोले कि हम बोले कि ये जिस प्लेन में है, कौन सा प्लेन है, बोर्ड का प्लेन, अगर बोर्ड का प्लेन है उसको वन बोल देते हैं, ये पाई बोन कैसा हो जाएगा, पाई बोन ऑफ द प्लेन हो जाएगा, दिख रहा है आउट ऑफ द प्लेन, तो उसको जीरो बोल देते हैं। फिर ये दोनों कहाँ चलेगा, बोर्ड का प्लेन में, तो ये भी बोर्ड का प्लेन में, ये भी बोर्ड का प्लेन में, इसका मतलब दो दो चार बोर्ड का प्लेन में आ गया। इसमें तुमसे पूछ रहे हाउ मेनी आइटम्स आर लाइंग ऑन द बोर्ड का प्लेन, तो तीन और तीन छह आइटम्स आर लाइंग ऑन द बोर्ड का प्लेन, ठीक है। या फिर बोलेंगे हाउ मेनी आइटम्स आर लाइंग ऑन द मॉलिक्यूलर प्लेन, मतलब मॉलिक्यूल का प्लेन कौन है, बोर्ड का प्लेन, तो छह आइटम्स, ठीक है। हाँ, इसमें देखो ध्यान से, इसमें क्या होना, वैसे ही अगर सेम काम किया जाए, सेम काम अगर ऐसे हम बांटते, देखो तो अगर इसको हमने बोर्ड का प्लेन में मान लिए, इसको अगर बोर्ड का प्लेन में मान लिया और वन दे दिए, तो ये जीरो वन जीरो, ये जीरो वन जीरो वन करते रहना, ये वन और वन सेम आ गया था, मतलब सेम प्लेन में है, एंड वाला लोग, ये दोनों और ये दोनों सेम प्लेन में है, यहाँ पे यहाँ वन आ गया और यहाँ पे जीरो आ गया, मतलब ये जिस प्लेन में है उसके 90 डिग्री पे ये इसका प्लेन है, अगर दिख रहा होगा अच्छे से, तो इस तरह से अलिंग सिस्टम अगर बनाया जाए, देखो ध्यान से, अगर हम बनाते हैं, मान लो ये बोर्ड पे है, ये sp2 है और ये बोर्ड पे, ये बोर्ड पे और ये बोर्ड पे, कहीं से तो स्टार्ट करेंगे ना हम लोग, तो ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल उसका बोर्ड पे, इसका प्योर पी कहाँ होगा, ऐसे होगा, ठीक है। और ये sp है, अगर sp है ये वाला, तो इसका दो टोपी बच गया, अगर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में ऐसे तीन टोपी था ना, PX, PY, PZ, एक तो चल के हाइब्रिडाइजेशन में, तो दो बच गए कार्बन का, तो इसमें दो टू प्योर भी है, एक पाई बॉन्ड इधर से बनाए हुए और दूसरा पाई बॉन्ड उधर से बने हुए, वही दोनों का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक प्योर पी, इसका प्योर पी के साथ पाई बॉन्ड बना लिया, तो ये यहाँ जो पाई बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड इसका ऑफ द प्लेन इस टाइप से बाहर, इस तरह से ऐसे बना हुआ, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में देखो, तो ये sp हाइब्रिडाइज है, एक ओपी तो खर्चा हो गया हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के, दोनों का नाम क्या है, sp और sp, तो इधर इधर से ही बना sp और sp, ठीक है। हरा वाला प्योर पी यूज हो गया पाई बॉन्ड बनाने, ऐसे पाई बॉन्ड बनाया इधर से, इधर वाला से, ठीक है। तो एक तो प्योर पी और होगा इसमें, जो जो ऐसे पाई बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों आपस में 90 डिग्री होगा, दोनों आपस में, ये तीनों आपस में 90 डिग्री पर, ये समझ में आ रहा है, हाँ। तो ये हो गया, फिर से बताना है, अगर ये x एक्सिस है, ठीक है ना, तो px goes for hybridization, अगर ये x है, ये y है और ये z हो गया, दिख रहा है क्या, ठीक है। तो ये pz है, इसका pz है जो पाई बॉन्ड बनाया है ऐसे बाहर वाला, इसका बाहर था, क्यों इसका बाहर था प्योर पी, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और इसका sp2 वाला तीनों ऑर्बिटल एक दो तीन बोर्ड पे मान करके ड्राइंग स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो कौन बचा, ये तो चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, pz चला गया इधर का पाई बॉन्ड बनाने में, इधर का कौन बचा, py बचा, और py कहां होगा, बोर्ड में, ठीक है क्या, तो py कहां है, बोर्ड पे, तो ये था py जो इसके साथ, तो इसका भी पीवाई है, इसका पीवाई है जो गया है पाई बॉन्ड बनाने, ठीक है, अगर पीवाई गया है पाई बॉन्ड बनाने, ठीक है। तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल सब कहाँ कहाँ पे होगा, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बोर्ड में, बाहर और अंदर, sp2 है नहीं, ये अच्छा से दिख रहा है तुम लोग को, और इसका शॉर्टकट क्या था, इसको अगर हम एक प्लेन में माने वन, तो ये हो गया जीरो पाई बॉन्ड, फिर वन ये पाई बॉन्ड बोर्ड में, ये बोर्ड में, ये बोर्ड में नहीं 90 डिग्री पे, तो ये बोर्ड में वन को बोले ना, बोर्ड पे वन को बोर्ड में बोलो और जीरो को ऑफ द बोर्ड बोलो, अरे 1010 क्या ए बी सी कर सकता है, एक्स वाई कर सकता है, 1010 कर लिए बोर्ड में, ऑफ द बोर्ड पाई बोर्ड,
ये दोनों बोर्ड में, ये ऑफ द बोर्ड, ये पाई बॉन्ड ऑन द बोर्ड, ये दोनों ऑफ द बोर्ड, बात दिख रहा है क्या? ठीक है, तो अब तुमको अगर अच्छे से दिख गया होगा, अगर अच्छे से दिख रहा होगा तो ये बोर्ड में है और ये लोग ऐसे हैं। बोलो, ये बोर्ड में है। बोर्ड कहाँ पे? बोर्ड है ये वाला, ये बोर्ड माना जा रहा है, दिख रहा होगा ये? ठीक है, तभी ना ये दोनों बोर्ड में है, ये दोनों। अब तुम देख बाबू, ऐसा मॉलिक्यूल में अगर वो दोनों सेम हो गया, मान लो वो दोनों सेम हो गया, ऐसा मॉलिक्यूल में अगर वो दोनों सेम हो गया, मान लो कि ये दोनों सेम हो गया, हम क्या करेंगे? इन तीनों पॉइंट दिख रहा है, ढक्कन, ये ढक्कन और ये सेंटर जहां जॉइंट है, इन तीनों को जोड़ दो, जोड़ दिया, एक प्लेन बन जाएगा। उस प्लेन से पूरे को काट दो, मॉलिक्यूल को इस प्लेन से काट दो। क्यों ऐसे करें हम? क्योंकि प्लेन से कटने के बाद ये इसका मिरर इमेज ये है रेड, अगर ये दो ग्रुप सेम हुआ तो ऐसे प्लेन पार करेंगे, ठीक है, तब ना एक दूसरे का मिरर इमेज बनेगा जी, ठीक है ना। अगर ये दोनों सेम हुआ तो, अगर ये दोनों सेम हुआ ग्रुप इस तरफ, अगर ये दोनों सेम हुआ, ठीक है, दोनों प्लेन कैसे पार करेंगे? हम लोग प्लेन ऐसे पार करेंगे अगर ये दोनों सेम हुआ तो, मतलब इस एंड पे या उस एंड पे दो लोग अगर सेम है ऐसा हालात तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, समझ में आया? यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा बनाते हैं कुछ फोटो, देखो यहाँ सीएल बॉन्ड सीएल, यहाँ पे एच और यहाँ बीआर बनाते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है। बात बुझा रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री आता कैसे आता है? हम लोग कैसे करते हैं? पहली बात एनालिसिस करना पड़ेगा खड़े से, तुमको क्या एनालिसिस करना पड़ेगा? बटवारा कर दी, ये वन मान लिया बोर्ड के प्लेन में, जीरो वन जीरो, मतलब इसका प्लेन इन दोनों का और इन दोनों का प्लेन सेम नहीं है, एक वन है तो दूसरा जीरो है, दोनों सेम माना था वन वन, तो ये प्लेन और ये प्लेन सेम था। ये फटाफट चेक कर लेंगे हम, ये बॉन्डिंग से हम अभी बताया था तुमको, ठीक है, सेम नहीं है। तो ये अगर बोर्ड पे तो ये हो गया ऑफ द बोर्ड, और अगर ये ऑफ द बोर्ड तो ये ऑन द बोर्ड। बोलो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मान लो ये ऑन द बोर्ड तो ये हो गया क्या? ऑफ द बोर्ड, बुझा रहा है? ठीक है, अब हम लोग क्या किए ना कि इन तीनों का सेंटर इमेजिन करो, एक दो तीन, ये तीनों सेंटर दिख रहा है कैसे? ये कार्बन यहां है, ये ब्रोमीन है और ये हाइड्रोजन है, ये जो प्लेन है ना इसी प्लेन से पूरे को काटते हैं, बुझा रहा है? इसी प्लेन से काटते चले जाएंगे। तो अगर इस प्लेन से काटे, समझ बी आर यहाँ है, एच अंदर, ऐसे काटेंगे तो बी आर कटेगा आधा आधा, आलू आधा आलू ऊपर आधा आलू नीचे, फिर ये पाइप कटेगा, वैसे ये भी पाइप कटा और एच छोटा आलू कटा आधा आधा ऊपर नीचे, काटते 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 यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसे पार हो जाएंगे हम लोग, ये हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये और ये मिरर इमेज बन जाएगा झंडा दोनों आपस में, ये झंडा और ये झंडा, झंडा ऐसे बोल रहे, ठीक है। और अगर ऐसा रहा तो कि इसे मान लो कि यहां कर दिए एच, ठीक है, और यहां कर दिया मान लो यहां भी एच लगा दिए, ठीक है, फिर से प्लेन सिमेट्री चेक करना है दोनों अलग अलग प्लेन में, लेकिन इस एंड पे दोनों सेम है, दिख रहा है क्या? यहाँ एक एच बाहर एक एच अंदर है, तो हम क्या किए, प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा हो जाएगा हम लोग का इस बार? ये हो जाएगा, ये एच बाहर है और वो एच अंदर है, तो ये बोर्ड का प्लेन हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिख रहा है? अब बोर्ड का प्लेन से अगर काटोगे ऐसे, बोर्ड का प्लेन से, पीओएस इज बोर्ड का प्लेन हियर, ठीक है, बोर्ड के प्लेन से काटे थे, बोर्ड के प्लेन से, ये बोर्ड पे ही है, वन को हम लोग बोर्ड पे बोल रहे हैं, ठीक है, तो बोर्ड के प्लेन से जैसे काटेंगे ना, तो बाहर वाला जो ये बाहर वाला एच है ये, और ये वो अंदर एच है, ऐसे बोर्ड के प्लेन से काटेंगे ना, तो इसका इमेज वो अंदर में एच दिखेगा मिरर इमेज, और काटते हुए ये पाइप कटेगा, ये आइटम भी कटेगा, ये आलू कटेगा, ये आलू कटेगा, ये आलू कटेगा, ये पाइप कटेगा आधा,
आधा पाइप इधर और आधा बोर्ड के अंदर, फिर आलू कटेगा आधा आलू ऊपर आधा आलू अंदर, फिर ये भी पाइप कटेगा ऐसे, फिर ये आलू कटेगा आधा, अलग अलग करेंगे। प्लेन और सिमेट्री इमेजिन करना पड़ेगा एक बार के लिए, और इमेजिन करने लगे कस के तो हो जाएगा, काम बन गया हम लोग का। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा लोचा वाला था तो मैं देख लिया। इसके बाद अगर लोग फोटो बनाए हम तो इसके बाद है मान लो एच सी सी एल सी डबल बॉन्ड सी एक और मान लो एच और यहाँ पे सी एल एफ कर दिया। ठीक है क्या, अपने फर्स्ट से चेक किया 1010 चेक कर लिया हो। ठीक है 1010 सबको दिख रहा है, सेम प्लेन में ही दोनों। अगर इसको हम बोर्ड का प्लेन में मान दिए पहला बार में sp2 और sp2 है ना, तीन को हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp2 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 इस कार्बन का। अब इधर से sp2 और sp2 नहीं, ये जो बॉन्ड बना है ब्लैक और रेड वाला, ये कौन सा बॉन्ड है, कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है? ब्लैक वाला है sp2 और रेड वाला है sp। ये sp2 और sp का हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उस समझ से sp2 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 बोर्ड पे माने हम लोग, तो sp2 sp2 तीनों बोर्ड पे है। दिखा ये तीनों इधर से बोर्ड पे है ऐसे। ठीक है, एनी हाउ अगर बोर्ड पे है तो इसका पाई बॉन्ड ऑफ द बोर्ड, पाई बॉन्ड ऑन द बोर्ड, पाई बॉन्ड ऑफ द बोर्ड। यहाँ पे किसी का प्योर पी ऐसे है तब ना पाई बॉन्ड ऐसे बनाएगा। प्योर पी अगर ऐसे है तो इसका इसका इस कार्बन का प्योर पी ऐसे है और ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है तो कहाँ पे उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल सब होगा? ऑन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड ऐसे। दिख रहा कहानी? तो ये बोर्ड पे और ये भी बोर्ड पे तो पूरा मॉलिक्यूल बोर्ड पे लाई कर रहा है। तो QoS इज इट बोर्ड का प्लेन। तुमको इस वाला पे ही बस ध्यान रखना है। कौन सा वाला पे ध्यान रखना है? इधर 1 और उधर 0 आ जाए, या इधर 0 उधर 1 है तो 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 1 0 1 तो 0 और 1 तो अलग लग गया। अगर ये अलग अलग नंबर आ जा रहा है मतलब इसका प्लेन और इसका प्लेन अलग अलग है आपस में 90 डिग्री पे, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन आपस में 90 डिग्री पे। ठीक है, और अगर सेम नंबर आ जा रहा है 1 1 1 1 अगर सेम नंबर आ जा रहा है मतलब ये जो प्लेन जिस प्लेन में है वही प्लेन में ये भी है तो बोर्ड का प्लेन से काट दो पापड़ जैसे। ये क्लोरीन आधा आधा ऐसे कटेगा, ऐसे कटेंगे तो आधा आलू बोर्ड के ऊपर है आधा आलू बोर्ड के अंदर है ऐसे कटेगा, फिर ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा ये पाइप कटेगा और आधा आलू बोर्ड के बाहर आधा आलू बोर्ड के अंदर। ये समझ में आ रहा है ये वाला कहानी? ठीक है, इस पर ध्यान रखो कब जब दोनों अलग अलग नंबर आ जाए। ऐसा में कब आएगा प्लेनर सिमेट्री इसमें? जब ये पॉइंट पे दोनों सेम हो या ये पॉइंट पे दोनों सेम हो किसी भी एक तरफ। अगर ये दोनों सेम आ गया ठीक है तो उनके बीच से प्लेनो सिमेट्री, और ये दोनों सेम आ गया तो उसके बीच से प्लेनो सिमेट्री। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर दोनों डिफरेंट है ये अगर सेम यहां सेम या यहां सेम एक ये दोनों अगर सेम तो POS आ जाएगा, ये दोनों सेम तो भी POS आ जाएगा। जैसे यहां पे ये दोनों सेम है तो यहां POS है, कहां POS इसके बीचों बीच से, तुमने इसका इमेज भी बनेगा। ठीक, अगर सेम नहीं है ये दोनों और ये दोनों भी सेम नहीं है, इसका उससे नहीं बात कर रहा हूं इसका इससे, ये सेम नहीं है दोनों और ये दोनों सेम नहीं है तो ऐसे POS नहीं है, POS एब्सेंट है, ऐसे में दिक्कत नहीं है। ये दोनों सेम हो चाहे नहीं हो अभी भी POS है बोर्ड का प्लेन, सेम कर लो अभी भी POS है बोर्ड का प्लेन, अभी बोर्ड का प्लेन POS है। ऐसे कटेगा आधा क्लोरीन ऊपर, इसका भी आधा क्लोरीन ऊपर आधा अंदर है। समझ में आ रहा है ये वाला कहानी? ठीक है, इसे मिलता होगा थोड़ा सा और आगे किया जाए। देखिए तो ये स्पाइरो वाला सब
फिर से एक बार बता दो तू कि यहां पे H और H लगा हुआ है। पहले मॉलिक्यूल एनालिसिस कीजिए, ठीक है? ये sp3 है, सब कार्बन पे sp3 है कार्बन, ठीक है? तो कभी रिंग रिंग बना होना हो तो तुम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं? ये दोनों ये और ये है, ये दोनों बोर्ड पे, तो ये अंदर बाहर हो गया, ठीक है? तो यही जाकर कैसे बना, ऐसे काजू कतली जैसा, ठीक है? ठीक है खान, तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर ये तुम समझ, मेरे पास ऑप्शन था, क्या ऑप्शन था? ये दोनों बोर्ड पे, तो ये जाकर कैसे बनेगा, ऐसे बनाएगा ऐसे, अगर ये दोनों बोर्ड पे, या फिर इन दोनों को हम, इन दोनों को अंदर बाहर माने, तो ये हो जाएगा बोर्ड पे। दोनों में से किसी भी ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, दिख रहा है ये कहानी, ठीक है? कहीं से भी स्टार्ट करो, तो कहां से करना, अंदर बाहर करना है क्या या बोर्ड पे? चलो बोर्ड पे रहेंगे, अगर ये दोनों बोर्ड पे, ये हो गया बाहर और ये हो गया अंदर, ठीक है? ये बाहर है ये कार्बन, तो यहां से भी इधर से देखेंगे तो इसको भी बाहर होना पड़ेगा, तब जाके जुड़ेगा उससे बाहर बाहर, अब इसे बात करें, और इसको अंदर होना पड़ेगा बॉन्ड जाके, तब इस वाला CH2 से वो जुड़ेगा। ये sp3 है स्पाइरो वाला, दिख रहा है? और ये जो sp3 है उसके लिए हमने बात कर ली है, ये बाहर ये जो जुड़ा है और ये अंदर जो अंदर जाके जुड़ा है, दिख रहा है? ये हम इसका बात कर रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं भैया? क्या बात कर रहे हैं, ये ऐसे जुड़ चुका है, ये एक तो ये जो बना हुआ है फोर मेंबर रिंग वो हमने बना चुके हैं, ठीक है? ये तो रेड वाला बाहर है, तो ब्लैक वाला कोई बाहर होना पड़ेगा तब नहीं जुड़ेगा इससे, ब्लू वाला अंदर है तो ग्रीन वाला को भी अंदर होना पड़ेगा। अब ये कौन सा कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला, इसमें ये हो गया, ठीक है? तो अब ये दोनों बोर्ड पे आ जाएगा, तो इधर से जैसे बनेगा बोर्ड पे, ठीक है? तो वो दोनों, ये दोनों, ये बोर्ड पे sp3 है, दो लोग अंदर बाहर है, तो बाकी दोनों बोर्ड पे होगा। sp3 माने चार को हाइब्रिड ऑर्बिटल ना जी, फिर बोर्ड पे, तो इसको ही बोर्ड पे होना पड़ेगा, तो इसको ही बोर्ड पे होना पड़ेगा, तब नहीं इसे जुड़ेगा, ये बोर्ड पे होगा तब ना जुड़ेगा, ये भी बोर्ड पे है तो ये भी बोर्ड पे होना पड़ेगा तब जुड़ेगा। sp3 है, दो लोग बोर्ड पे, तो दो लोग अंदर बाहर, ठीक है? क्या हमको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, यहाँ से कहानी स्टार्ट करना चाहिए था? H S है, ठीक है? अगर ये दोनों बोर्ड पे है तो ये बाहर हो गया और ये अंदर हो गया, फिर इसको अंदर होना पड़ेगा तब जाके उससे जुड़ेगा, इसको भी बाहर होना पड़ेगा तब जाके इससे जुड़ेगा। वो sp3 है, अंदर बाहर दो लोग, तो बाकी लोग बोर्ड पे, तो वो देखा सेम कहानी आ गया इसके पहले वाला ही। क्या है सेम कहानी? सेम कहानी ये है ना कि अगर ये वन, ये जीरो, ये वन दिख रहा है, अगर ये बोर्ड पे तो ऑफ द बोर्ड है, दिख रहा है ऑफ द बोर्ड, ये बाहर निकला हुआ है वो भी, और ये क्या हो गया ऑन द बोर्ड, तो दोनों सेम प्लेन में आ गया। यहाँ पे तुम अगर देखोगे सेम कहानी है ऐसे, दिख रहा है क्या, वन जीरो वन जीरो, अलग अलग प्लेन में आ गए, वैसे हम बना भी चुके हैं, ये दोनों बोर्ड के प्लेन में और ये दोनों अंदर बाहर, वैसा ही सिस्टम बन गया है जैसे इसके पहले था। एक और ऐसा रिंग ला देंगे तो एंड वाला सब कहां आ जाएगा, एंड वाला सब सेम प्लेन में आ जाएगा। अभी अभी एंड वाला दोनों लोग कहां है, ये दोनों और ये दोनों, इस दोनों के प्लेन में, ये चारों सेम प्लेन में, ये चारों। अब मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, ये तो बाहर निकला हुआ यार, मॉलिक्यूल का बात नहीं है, बात रहा है ये एंड वाला दोनों और ये एंड वाला दोनों का, ये भी बोर्ड में और ये भी बोर्ड में, तो चारों लोग बोर्ड के प्लेन में है। यहां पे ये एंड दोनों बोर्ड के प्लेन में और ये दोनों एंड ऐसे है, दिख रहा है क्या, ऐसे बोर्ड ऐसे जा रहे हैं यहां पे, इनको कर लिए। फिर एक और बता दो,
सबको समझ में आ गया। ऐसा हालात में ये दोनों अलग अलग कर दें। देखो ऐसा हालात में सेम इसके पहले वाला जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर ये दोनों सेम हो गया बोर्ड पे तो प्लेनर सिमेट्री हम ऐसे बना देंगे। अगर ये दोनों सेम हो गया ये बाहर निकला है ना, और दूसरा क्या है, दूसरा ऐसा अंदर है, ये दोनों एच बना रहे हैं। अगर ये दोनों सेम है तो ऐसे प्लेनर सिमेट्री बना देंगे, इसका इमेज वो बन जाएगा। ठीक है, तो देखो तो जरा कि अगर यहाँ एच और सी एल कर दिए, ठीक है, और यहाँ दो अलग अलग कर दिए कुछ भी एच और सी एल यहाँ भी कर दिए, तो पीओएस एब्सेंट प्लेनर सिमेट्री नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पे एच और सी एल भले करो, यहाँ पे एच और सी एल भले करो, पीओएस प्रेजेंट, यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है, बोर्ड का प्लेन इट्सेल्फ यहाँ पे, यहाँ पे अगर ये दोनों सेम होता तो पीओएस आ जाता, या फिर ये दोनों सेम होता तो भी पीओएस आ जाता। ये करके दिखाते हैं, देखो तो ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर ये बोर्ड पे है तो 1010 से भी समझ सकते हो, जैसे मान लो इस बार तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसको वन बोला तो ये जीरो, ये वन और जीरो। अगर ये बोर्ड के प्लेन में, ये बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, तो ये ऑफ द प्लेन हो गया, ये अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर ये दोनों सेम है सी एल और सी एल का भी, और ये दोनों कुछ भी हो एफ बी आर में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो कौन सा प्लेन, तीन दो पॉइंट को जोड़ेंगे तो वो प्लेन बन जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को जोड़ो, एक तो प्लेन बन गया, सबको दिख रहा है वो प्लेन, तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं बे, ये ऐसे है और ये ऐसे है, सबको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, तो ये दोनों सेम ग्रुप है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके बीचों बीच से पार होना चाहिए, तब नहीं इसका इमेज वो बनेगा, ठीक है, तो कौन है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस प्लेन को जोड़ लो, ठीक है, तो इस प्लेन को जोड़ेंगे तो कैसा बनेगा, ये प्लेन को जोड़ेंगे तो ऐसा ऐसा ही काटते जाएगा, यहाँ से कटते भी ये निकल जाएगा, ऐसा था ये दिख रहा है कि नहीं, तो बोलो सर रिंग वाला का भी एनालिसिस कर रही है, फाइट नहीं है रिंग वाला में, देखो ये SP3 है, दो लोग अंदर बाहर, तो बाकी दोनों बोर्ड पे, ये भी बोर्ड पे, इसको बोर्ड पे ही आना पड़ेगा तभी इसे जुड़ेगा, इसको बोर्ड पर आना पड़ेगा तभी इसे जुड़ेगा, ये SP3 है, दो लोग बोर्ड पे, तो बाकी दोनों अंदर बाहर, बोलो, और ये भी अंदर होगा तभी जाके उसे जुड़ेगा, और ये बाहर होगा तभी जाके इसे जुड़ेगा, बोलो, ये SP3 है, दो लोग अंदर बाहर, तो बाकी दोनों बोर्ड पे, ठीक है, तो यहाँ पर POS आ गया प्रेजेंट, कब होगा POS प्रेजेंट, या ये दोनों सेम हो या फिर ये दोनों सेम हो, ठीक है, तो POS कौन सा हो जाएगा, POS हो जाएगा इसके बीचों बीच से पार करने वाला, ऐसे वाला पार करने वाला, जैसे कट रहा होता तो ये आलू कटेगा, फिर ये ऐसे ऐसे है, देखा BR, ये दिख रहा है सबको यहाँ पे, ये BR यहाँ लगा हुआ है, ऐसा है ये पाइप कटेगा आधा का, और ये आलू कटेगा आधा आलू पर और आधा आलू नीचे रह जाएगा, कट जाएगा इससे, वैसे फ्लोरिन कटेगा अंदर में, क्लियर हुआ कि नहीं तुम लोग को ये वाला, यहाँ प्लेनर सिमेट्री आ गया, ठीक है, अगर मान लो कि ये दोनों सेम होता और ये अलग अलग होता, ये अलग अलग ये दोनों सेम है, तब प्लेनर सिमेट्री कौन सा हो जाता, तब प्लेनर अभी प्लेनर सिमेट्री प्रेजेंट है, कौन सा होता है बोर्ड का प्लेन, अब इस वक्त दिख रहा है क्या, इन तीनों पॉइंट को जोड़ो, देखो 1 2 3 इन तीनों पॉइंट को जोड़ो, और वो बोर्ड पे है तीनों पॉइंट, तो बोर्ड से ऐसे काटते चले गए जिसमें ये फ्लोरिन ऐसे अंदर बाहर है, ये बाहर है और ऐसे अंदर है, फिर बोर्ड से काटते चले गए, तो ये ऐसे काटते हैं ना,
ऐसे प्लेन पार हो जाएगा, ये फ्लोरीन का मिरर इमेज, ये फ्लोरीन बन जाएगा मिरर इमेज, कि बाहर है ना फ्लोरीन दिख रहा है, ठीक है। ऐसे एक बोर्ड से काटते 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 ऐसे काटते निकल गए, तो फ्लोरीन नहीं कटा, ये वाला ये भी फ्लोरीन नहीं कटा, सिर्फ ये फ्लोरीन कटेगा, क्या ये बॉर्डर पे है ये, तो ठीक है ना। अभी प्लेनर सिमेट्री प्लेन कौन है, प्लेनर सिमेट्री बोर्ड का प्लेन, अभी प्लेनर सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने में समझ में आ रहा है कि नहीं पब्लिक, बताइए तो, हो गया ना वैसे, और भी होगा तो फर्दर, तो ऐसे 1010 कर लेना, दिख रहा है क्या, बिल्कुल वैसे ही 1, अगर ये तो 0101, ये भी 1 वो भी 1, मतलब ये और ये चारों बिंदी एक प्लेन में है, एक ही प्लेन में, तो बोर्ड के प्लेन से काट दो, अगर ये बोर्ड पे है, दिख रहा है क्या, तो सी एल है, एच है, ये बी आर है और ये आई है, ठीक है, तो पी यू एस प्रेजेंट है, कौन सा बोर्ड का, बोर्ड का प्लेन अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, नहीं ये बाहर, ये भी बाहर, ये अंदर, ठीक है, तो ये बोर्ड पे, ये बोर्ड पे, अब SP3 ना अंदर बाहर, तो बोर्ड पे हो, ये बोर्ड पे, ये बोर्ड पे, दोनों बोर्ड पे, तो ये अंदर और ये बाहर, ये भी अंदर रहेगा तब जुड़ा उसे, और ये बाहर, अंदर बाहर, तो ये हो गया बोर्ड पे और बोर्ड पे, ये भी बोर्ड पे, ये भी बोर्ड पे, ये भी बोर्ड पे, ये भी बोर्ड पे, है ना, और ये काट डालो, क्योंकि इसका अगर इसका ऐसे ही कटेगा सिमेट्री, यहाँ पे ऐसे है, यूं कटेगा, यहाँ तो क्या है, तो बोर्ड पे ही है, तो पापड़ जैसा कटेगा, फिर ये भी वैसे कटेगा, तो 1 2 3 4 ठीक है, ये चारों तो बोर्ड पे है ही, उसके अलावा कौन है बोर्ड पे, ये है बोर्ड पे, ये है बोर्ड पे, ये है बोर्ड पे, ये बोर्ड पे, बोर्ड पे, अंदर बाहर, फिर बोर्ड पे, बोलिए, नहीं दिखा, पूछे हाउ मेनी आइटम्स आर बाइसेक्टेड बाई पीओएस, बताता हूँ, आपने देखना चालू हो जाएगा, पूछे हाउ मेनी आइटम्स आर बाइसेक्टेड बाई पीओएस, तो 1 2 3 4 तो हो गया, उसके अलावा 5 तो बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, दोनों 1 2 3 4 हो गया, 5 6 यहाँ कार्बन है, बोर्ड पे है, SP3 ना, दो लोग बोर्ड है, तो बाकी दोनों अंदर बाहर, ये कार्बन है, दो लोग बोर्ड पे, SP3 तो बाकी दोनों अंदर बाहर, बोलो पब्लिक, यहाँ भी कार्बन है, ये तो पूरे जत्था ही बाहर हो गया, जत्था ही अंदर हो गया, फिर यहाँ कार्बन है, कितना आइटम पता है, बोलो, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ठीक है, देखा जाए कितना लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 ये तो ऐसे है ना, पीओएस बोर्ड का प्लेन है, ये ऐसे अगर काटोगे सिर्फ ये दोनों कटेगा, ये दोनों का पॉइंट, ये तो ऐसे है बाहर निकला हुआ, और ये बोर्ड के अंदर है, 1 2 3 4 5 6 दोनों एच ऐसे हो, बोर्ड के अंदर बाहर है, पता कैसे पता लगा, SP3 अगर ये दोनों बोर्ड पे तो अंदर बाहर, बोलिए पब्लिक, तुम मेरे साथ पहले है कि नहीं है ना जी, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो आंसर क्या बने इसका, 10 टू आइटम्स, ये हो रहा है कि नहीं पीओएस पे, इसके अलावा कोई पीओएस नहीं है इसमें, इन दोनों को कटना ही पड़ेगा ऐसे आधा आधा, कहीं बीच से जा नहीं सकता, ब्रोमीन का इमेज तो आयोडीन बन नहीं सकता है, ऐसे नहीं काट सकते, इसका ब्रोमीन के इमेज क्लोरीन तो बन नहीं सकता है, तो जो पीओएस हमको बनाया है बोर्ड का प्लेन वही एक तो है, कब होगा पीओएस बोर्ड का प्लेन, ये दोनों और ये दोनों बोर्ड पे, कैसे पता लगा, ये भी वन और यहाँ भी वन,
इस बार हम लोग रिंग को गिन रहे हैं, इसके पहले अलीन सिस्टम हम लोग पाइबोंड देख रहे थे, ये फिर पाइबोंड था, फिर पाइबोंड था, फिर पाइबोंड था, फिर ये था, इसके पहले वाला था अलीन सिस्टम, हो रहा है कि नहीं? ठीक है, फिर से देखे तो बोले तो क्या इसमें प्लेनर सिमेट्री है? अगला पॉइंट ऑफ सिमेट्री करने वाले हैं हम, प्लेनर सिमेट्री समाप्त हो गया है, देख बता, does it have या has plane of symmetry? POS है? नहीं है, POS absent. कैसे? ढंग से analyze कीजिए, ये sp3 है, अगर दो लोगों को board पे तू मान लिए इन दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा, board के अंदर और ये board के बाहर, बोलो है ना, है ना भाभी वाला, अगर इन दोनों को बोर्ड पे मान लिए, ये क्या हो जाएगा, अंदर वाली ये बोर्ड पे है ऐसे, तो ये वाला ऐसे काजू कतली वाला बोर्ड पे अंदर मान लिया, तो अगर इस प्लेन से काटे तो O का इमेज H सी एच टू, O उधर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन नहीं 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 कटेगा, अगर इस प्लेन से काटे, इस प्लेन से तो इधर O है, यहाँ पे तो कार्बन है, यहाँ भी POS नहीं, तो ये प्लेन प्लेनर सिमेट्री रहा नहीं, और ये प्लेन भी प्लेनर सिमेट्री रहा नहीं, POS absent है। अब इसके अंदर में कुछ कुछ हम करने लगे हैं, ठीक है, POS is absent, POS is absent, POS नहीं, इसे पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी नहीं और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं, ये सी फॉर काइरल है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब क्या है कि हम जहां जहां काइरल लिखे ना पिछले वीडियो में भी, वहां पे पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ POS absent है, PTOS भी absent है, वो हमको दिख रहा है, वो तुम लोग को हम दिखाने जा रहे हैं, और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी absent है, वो हमको दिख रहा है, वो भी तुम लोग को दिखाने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो चलिए फिर पॉइंट ऑफ सिमेट्री करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।